दोस्तों, पाकिस्तान के पास इस वक्त बहुत से खुफिया हथियार मौजूद हैं, जिनसे पूरी दुनिया खौफजदा है और इन हथियारों पर बहुत सी वीडियोस भी बन चुकी हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे खुफिया हथियार के बारे में बताने वाले हैं, जिसने भारतीय हुक्मरानों और मीडिया की नींदें हराम कर रखी हैं। मजीद वीडियो की तफसील में जाने से कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल फास्ट पॉइंट को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दे। पाकिस्तान ने जब 2015 से पहले मसलसल मिसाइलों के कामयाब तजर्बात किए तो पूरी दुनिया खौफ से हिल गई, क्योंकि पाकिस्तान ने कम मुद्दत में ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए जो पाकिस्तान के किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन मुल्क को आसानी से तबाह कर सकते थे। 2015 के बाद भारतीय मीडिया साइंसदानों और हुक्मरानों के मुंह से मुसलसल ये खबरें सुनने को मिली कि पाकिस्तान ने खुफिया तरीके से एक ऐसा मिसाइल बना लिया है जो भारत और अमेरिका को दो मिनटों में सफ़े हस्ती से मिटा सकता है। इस मिसाइल का नाम टीपू है और इसको पाकिस्तान ने 2017 से पहले खुफिया तरीके से बना लिया था। भारतीय मीडिया की जानिब से इस खबर को शाया करने के बाद पूरे भारत में कोहराम मच गया। भारतीय साइंसदान और इंजीनियर परेशान हो गए कि जो काम अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर मुल्क नहीं कर पाए, वो पाकिस्तान ने इतनी कम मुद्दत में कैसे कर दिखाया है। दोस्तों, तमूर शहीन 4 और टीपू मिसाइल को पाकिस्तान बहुत पहले बनाने का ऐलान कर चुका है और इनकी रेंज के बारे में बताया गया है कि इन तीनों मिसाइलों की रेंज 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी और ये तीनों मिसाइल बैन अलबराजमी बैलिस्टिक मिसाइल होंगे। अब इन मिसाइलों के बारे में भारत समेत पूरी दुनिया का मीडिया रोजाना कोई ना कोई खबर शाया करता रहता है, क्योंकि ये मिसाइल पूरी दुनिया को चंद मिनटों में सफ़े हस्ती से मिटा सकते हैं।